इकोनॉमी कल्चर पॉलिटिक्स पर भी है, सोसाइटी पर भी है। पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आर्थिक ताकतों का जोर बढ़ा है, देशी विदेशी घोटाले तो उसके कुछ कुछ घटनाएं हैं, केवल उसकी गहराई हमको अभी जानना, किस किस को टारगेट बनाया जाए। तो डेमोक्रेसी ही विकृत होकर क्लेप्टोक्रेसी बन रही है, कॉकस तंत्र बन रहा है, कॉर्पोरेटोक्रेसी बन रही है, उद्योग घराने नीतियां बदल जा रहे हैं। उद्योग घराने वो भी अपना ही मुनाफा कमाने के फेर में वैल्यू एडिशन की बजाय बड़े बड़े माइनर्स और एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स बनने की जहमत क्यों उठाई जाए, क्यों न चीन में सामान बनवा लिया जाए, यहां बेच दिया जाए। मित्रों, ये जो क्लेप्टोक्रेसी और कॉर्पोरेटोक्रेसी है, इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दल ग्रस्त हो गए हैं। राजनीतिक विकल्प खोजे तो सांपनाथ की जगह नागनाथ पर सुई अटक जाने का अंदेशा है। इसलिए आज चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो बुद्धिजीवियों का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनेताओं का क्षेत्र हो, धर्म सत्ता के बारे में बोलने को मैं अपने को अपात्र मानता हूं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। तो आज के वक्त का तकाजा होगा कि हम बाईफोकल विजन से काम करें, लंबी दूरी का तो जरूर देखें, लंबी दूरी में पीछे देखकर प्रेरणा से हम जरूर भर उठें, उत्साह और आत्मविश्वास से हम भरपूर हों। वर्तमान का वैज्ञानिक विश्लेषण कर चिंताजनक स्थिति में देश के लोकतंत्र के खतरे में होने का ही आज लक्षण दिखता है। क्यों? क्योंकि सत्ता दल और विपक्ष का भेद का लोप अगर हो जाए तो लोकतंत्र की स्थिति उस फुटबॉल मैदान की तरह होने का खतरा है जिसमें 11-11 खिलाड़ी ऑपोजिट खेलते तब तो गेम चलता, मगर 11 और 11 हाथ मिलाकर 22 खिलाड़ी जनता के खिलाफ गोल दागने लगे तो खेल नहीं चलता। मित्रों, तो दर्शक दीर्घा में से उतर कर नया टीम बनाना देश की मजबूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसमें फिर वही सांपनाथ नागनाथ की तरह एक और वासुकी नाथ हो जाए ना, ना, ना। इसके लिए राजनीतिक विकल्प नहीं, वैकल्पिक राजनीति की साधना जरूरी है। उसमें भारत परस्त गरीब परस्त एजेंडा क्या हो, सबसे अंतिम आदमी के योग क्षेम का कम से कम विकास की तो बात छोड़ो।